थिएटर कौन वाला ज्यादा चल रहा है? पांचों थिएटर खूब चल रहा है सर, भीड़ भीड़ चलता है, गर्दा उड़ रहा है। जी सर, पूरा गर्दा चल रहा है सर। हाँ, डांस नाच गाना उना होते हैं, 100-150-200 का आंकड़ा सब थिएटर में लड़की लोग हैं। हाँ, उससे कम नहीं है सर। तो लिखल होने रानी मुखर्जी, कैटरीना कैफ, नहीं सर, पाशा बसु, सन्नी लियोन, सोनाक्षी सिन्हा। आयोगों में तो देखे लिखल था कि गर्मी में सर्दी का एहसास। पहले ओपन होता था, लास्ट में ओपन डांस होता था, उसमें खुलेआम लड़की लड़का सब पीते थे, डांस भी ओपन करते थे, नशा के बल पर कुछ पता नहीं चलता था, कभी कपड़ा उतार देते थे शरीर का। इस बात पे हम कहेंगे झाजी झाजी सब जानते। जी सर, रेडियो में नहीं आता? जी सर, झाजी झाजी सब जानते, कपड़ा खोल देते थे। लेकिन आप तो इतना छोटा छोटा कपड़ा है जो बदन लखा दे रहा है, ब्लाउज पहना है तो 2 इंची का ब्लाउज पहना हुआ, पूरे शरीर उसका लखा दे रहा है। नहीं तो आपको दिखा, बड़ी बड़ी कलाकार उर्फी जावेदी सब भी बड़े छोटा छोटा कपड़ा पहनते। जी सर, जो मॉडल युग का कपड़ा जो निकल गया है उससे आदमी लड़का लोग अनुभवी पागल हो गया है। रणवीर सिंह का फोटो देखे कि नहीं देखे? वो तो चड्डियों ने पहन था। जी सर, तो गंदा नहीं है लड़की? गंदा उर्फी जावेद गंदा होगी, रणवीर सिंह ठीक है। बाप भेजता है इंजीनियरिंग करने के लिए बेटा को, डॉक्टर बनने के लिए, वो गांधी मैदान में लड़की लेके लाइन मारते रहता है। क्या करता है? लाइन मारते रहता है, लड़की लोग के गांधी मैदान में देखते हैं के लाइन मारता है। लड़का लोग जो पढ़ने के लिए जाता है, बाप पैसा देता है अपना वहाँ पढ़ने के लिए, वो वेस्ट करने के दूसरे चक्कर में रहता है। वीडियो वायरल नहीं हुआ देखे थे? छोड़ी पटाता है जी, वही छोड़ी पटाने वाला सर वहाँ होता है बात। जे लड़का एकदम सीधा सीधा रहता है ना, गाय नियम जिसको बोलता है, लड़कावा तो गाय है। नहीं सर, वो तो और खतरनाक होता है। हाँ? वो तो और खतरनाक होता है सर, जो एकदम सीधा है महीन रहता है। वो तो बहुत महीन रहता हो, वो भीतर से छेद करता है लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाता। फिर बोलेंगे जाजी जाजी सब जानते हैं। 2 बच्चा से फाजुल नहीं। आपका क्या बच्चा? हमारा तो 4 हो चुका है, अब तो गुजर गया। पूरे वर्ल्ड के लोग लालू जी के बारे में जानते हैं कि ट्रेन की टिकट कम कर दिया था गरीब के लिए, वो मासिया थे। लेकिन हाँ, लेकिन माफिया ले, हाँ, माफिया जो माफिया नहीं, मसीहा, मसीहा थे गरीब के लिए, मासिया थे गरीब के लिए, मासिया थे। पूरे वर्ल्ड का लोग जानता है लालू जी के बारे में। लालू जी वाला दिमाग नीतीश जी के पास में नहीं है। उनके क्या बोल दिया? हम सही बोले क्या? उनका वाला दिमाग इनके पास में नहीं है। इनका दिमाग किनके पास नहीं है? ये तो महंगाई बढ़ते जा रहा है, महंगाई तो मोदी जी ने बढ़ा रहे हैं। सोनपुर मेले में हम आए हुए हैं। आप 70 किलो है, 70 किलो है, 70 किलो है। भोजन एवं नींद का ख्याल रखें, स्वस्थ ठीक रहेगा। नमस्कार। तरात में पशु मेला कहिए कि बंद हो गया, जानवरों की बिक्री बंद हो गई, पशुओं की बिक्री, और मेला भी लगभग अब ठंडा होने वाला है क्योंकि रात हो गई। लेकिन एक चीज जो रात में ही मजमा लगता है, पूरा शो होता है, उसको कहते हैं थिएटर। तो यहाँ सोनपुर मेला में हम आए हैं, एगो चाय विक्रेता हैं, बोले हमारा चाय वर्ल्ड फेमस है। कहाँ का फेमस है सर? सब जगह जाते हैं सर। हाँ, इंडिया खड़े के शेट चलते हैं, असम, पूरी, हाँ, उड़ीसा, सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वकील झा। वकील झा है जी। झा जी चाय बेचते हैं? जी सर। अच्छा, तो कौन यहाँ थिएटर कौन वाला ज्यादा चल रहा है? शोभा सम्राट चल रहा है सर। यहाँ गुलाब विकास, शोभा सम्राट, इंडियन, एक नजर, कुची कुची सब है। हाँ सर, गुलाब विकास है, शोभा सम्राट है, पायल है, एक नजर है सर। हाँ, 5 गो थिएटर है सर यहाँ। हाँ जी, पांचों थिएटर खूब चल रहा है सर, भीड़ भीड़ चलता है, गर्दा उड़ रहा है। जी सर, पूरा गर्दा चल रहा है सर। हाँ जी, आप देखे कि नहीं? जी सर, हम तो चाय लेके जाते हैं भीतर, बेचते हैं, हमारा तो रिकॉर्ड है, चाय लेवन टी फुल गारंटी, अच्छा नहीं तो पैसा नहीं। अच्छा, पूरे इंडिया में पहले बोलते अच्छा नहीं लगेगा तो पैसा भी नहीं लगेगा। ऐसा इंडिया में कहीं दुकान नहीं मिलेगा आपको। हाँ, दिखाई नहीं चाहिए चाय बाब, तो पिलाइएगा कि ऐसे खाली? सर नहीं सर, पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे। पिलाइए चाय? हाँ पिलाएंगे सर। पिलाई बनाई कैसे बनाते दिखाएंगे तो? अब थिएटर वाला कहानी बताइए ना आप, फिर हम पूछ रहे हैं। हाँ सर, थिएटर में सर बहुत सारे लड़की लोग हैं, डांस नाच गाना उना होते हैं, एक से एक प्रोग्राम देते हैं। तो लिखल होने रानी मुखर्जी, कैटरीना कैफ, नहीं सर, पाशा बसु, सन्नी लियोन, सोनाक्षी सिन्हा जी। हर नाम है सर। हा? लेकिन ओरिजिनल थोड़ी है सर, नाम है सर। हाँ सबका नाम है। हम अभी गमे हैं वहाँ पर। जी सर, तो ये सब लिखल था? जी सर। आयोग में तो देखे लिखल था कि गर्मी में सर्दी का एहसास। जी हाँ, सर्दी का एहसास तो सर, चाय पीजिए सर्दी टूटेगा सर। ना जी, एनएन देखिए की लिखल है। अच्छा सर, अरे कोची लिखल से बोलिए, पढ़ा लिखल है जी? जी नहीं सर। से गुने तब ने झाजी आप चाय बेच रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए कि नहीं? देखिए इन्हें लिखल है, पहले देख लीजिए। ये है रानी चटर्जी जी, है कौन है जी? रानी चटर्जी। रानी चटर्जी, चेहरा पहचानते हैं। लिखल है इसमें गर्मी में सर्दी का एहसास। अभी ठंडा और गर्मी सर
सोनपुर में कोई पता नहीं चल रहा सर, ठंडा भी पी रहे हैं, गर्म भी पी रहे हैं, रुक नहीं रहा सर। इंडिया थिएटर है, थिएटर के खिस्सा जानेंगे चाय वाले झाजी से, काय ने पढ़े झाजी? सर हम लोग बाबूजी बचपन में मर गए और माँ मौसमात थी, पढ़ नहीं पाए, पढ़ने के लिए भेजते थे तो हम जाके शौचालय रूम में बंद रहते थे सर। पढ़ा है सर, डर से पढ़ाई करने की इच्छा नहीं, खेलने के जिन धूप में थे। तो आपकी गलती है, बैठिए, मम्मी की गलती ना है, माँ तो भेजती थी। हाँ, ये चाय तो बढ़िया टेस्टी बनाते हैं झाजी। और थिएटर के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उनको बताइए। थिएटर के बारे में तो हर प्रोग्राम एक से एक प्रोग्राम 12 बजे रात के बाद से देते हैं। अभी तो मान लीजिए कि ऐसा ही भीड़ लगाने के लिए अभी सब डांस गाना उना करते हैं। भीड़ लगाने के लिए क्या करता है अभी? डांस गाना सब करते हैं हम लोग, जैसे कि दवाईवा बेचे लगी स्टेशन वहाँ बाहर क्या करता है, डमरू बजाता जी, है जी हाँ, वही मजमा लगाने के लिए, मजमा लगाने के लिए अपना सब डब्बा से सांप निकलेगा, टोकरी से ये निकलेगा जी सर, वो सब होते रहता है। लेकिन यहाँ पहले डांस करते रहता है जी सर। सबसे ज्यादा लड़कियाँ कहाँ है, किसमें? सबसे ज्यादा है शोभा सम्राट, करीब 150 लगभग में होगा। हाँ, और उसके बाद 125 लगभग में पायल में होगा। अच्छा जी सर, मैंने 100-150-200 का आकड़ा सब थिएटर में लड़की लोग हैं। हाँ, उससे कम नहीं है सर। तो लड़की जो डांस करते हैं यहाँ पर कलाकार हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं करता है आप? जी सर नहीं सर, छेड़खानी का होगा सर, वो लोग तो पैसा पर आते हैं, गाना गाते हो जाते हैं और अपना पैसा पर इंसान इंजॉय लेता है सर। तो पहले तो बहुत अश्लीलता होती थी, पता है ना? जी जी सर, अब नहीं वो सब होता है सर, वो सब बंद हो गया है। पहले कई दिन से आप देख रहे हैं यहाँ थिएटर? सर अभी हम तो मान लीजिए कि यहाँ तो 20 वर्ष से आ रहे हैं थिएटर देखने के लिए, लेकिन पहले जो ऐसे होता था लेकिन वैसे नहीं। पहले क्या होता था? पहले ओपन होता था, लास्ट में ओपन डांस होता था, लेकिन ओपन बंद हो गया सर। मतलब नग्नता? हाँ, अश्लील डांस पूरा वो बंद हो गया सर। अब तो मान लीजिए कि पर्दा खुला रहता है, आदमी लोग जाते हैं देखते हैं, जिनको मन हुआ टिकट कटाए बैठे चले गए। कितना टिकट है सर? 1100 है, 500 है, 700 है सर, 200 है। तो आप तो चैवत जाके खरीद देते हैं और देख के चल आते हैं उतने देर? बस सर, पूरा जमजमा के रात भर देखें कि नहीं? जी नहीं, जमजमा के सर नहीं देखते हैं, रात भर देखे नहीं है सर, धंधा से फुर्सत नहीं होता तो क्या देखें। रतवा में जी तो बंद हो जाता है सर? जी नहीं सर, हमारा चाय चलते रहता सर। हाँ, मेरा चाय गारंटी चलते रहता है, रुकता नहीं सर। तो चाय कब से बेचने लगे जी? चाय हम सर आज 5-6 साल से बेचने लगे सर। पहले जूस का कारोबार करते थे सर। हाँ, तो गर्मी में जूस भी बेचिएगा? जी जी, पहले गर्मी में जूस का कारोबार करते थे बेगूसराय। बेगूसराय मकान हुआ? जी जी सर, हमारा बेगूसराय बछवाड़ा मकान हुआ सर। अच्छा, नईपुर गांव हुआ, नईपुर के वासी हैं। तो पहले के बारे में बताए हैं पुराने आदमी हैं कि पहले नग्न होके लड़कियाँ डांस करती थी, ये तो हम भी जानते हैं, राजगीर वगैरह हम जानते हैं ना, वहाँ भी थिएटर होता था तो लोग कहते थे। और एक बार राजगीर में थिएटर में, इधर दिखाइए, एक बार राजगीर में थिएटर जब चल रहा था तो करंट लगने से कई एक लोगों की जान चली गई। जी सर, आपको पता है? जी सर। कौन थिएटर में हुआ था वो? इतना याद नहीं है, लेकिन सर करंट लगा था, आदमी चला गया था जानते, मतलब क्या नाम है, पायल नहीं था सर, गुलाब विकास में ही था। हमको याद नहीं है, हम कंफर्म नहीं, लेकिन सही बात बोला, गुलाब विकास थिएटर में राजगीर में करंट लगने से कई लोगों की जान चली गई थी। और कुछ बताना चाहेंगे थिएटर के बारे में और मेला के बारे में? मेला के बारे में सर, तो अभी तो मान लीजिए कि अब तो सोनपुर मेला व्यवसायी का मेला हो गया है। अब तो मान लीजिए कि यह व्यवसायी का मतलब जो चिड़िया उड़िया था ये सब नहीं आवाना शुरू हुआ, हाथी वाथी बंद हो गया, ऊँट ऊँट बंद हो गया, सिर्फ गाय और घोड़ा का। ये तो बहुत सारे पशुओं पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया। जी जी सर, सरकार की तरफ से प्रतिबंध। क्या हाथी घर में नहीं रख सकते? जी जी सर। मैं सर, हाथी जो रखता था तो उसको चारा देता था, भूखे थोड़ी मारता था, पंछी जो रखता था उसको खिलाता था, पोसता था। सरकार के नियम कानून होते हैं। जी सर, पर्यावरण विभाग तो वो बंद करवा दिए सब, उड़ा देने के लिए सब उड़ा दिए। अब और पहले के सोनपुर मेला में क्या अंतर है? बहुत सारा, अब तो कुछ नहीं रहा सोनपुर मेला में सर पहले ऐसा, लेकिन पहले जो सोनपुर मेला था जो पूरे वर्ल्ड में नामी था सोनपुर मेला, हर जगह का, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। जी एशिया का क्या था पहले, अब क्या है? अब तो सर बिजनेसमैन का मेला हो गया अब सर। बिजनेस तो हर जगह? जी सर, बिजनेस मेला मतलब बिजनेस, ये तो शुरू में, अभी बस थिएटर लेके मेला है यहाँ मेन है जो थिएटर लेके मेला है, थिएटर के लिए मेला है। मेला ले थिएटर के लिए मेला है सर। हाँ, तो गाय बैल उल जो खरीदते थे पहले जाते थे बंगाल, यूपी, एमपी, यहाँ से जानवर ट्रेन में बुक होके जाते थे, वो सब अब खत्म हो चुका है। अच्छा जी सर,
अब तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आता है, लोकल आदमी सब ले जाता है, ट्रेन में बुकिंग खत्म। नहीं तो पैदल एक महीना सुनते थे कि जी बैल को बुला के ले जा रहा है, गाय को बुला के ले जा रहा है सोनपुर। सही बात है सर, ये होता था जी सर। आप खाली सब थिएटर के लिए आते हैं? आप सब थिएटर के देखने के लिए आते हैं, थिएटर थोड़ा ऊनी चद्दर उधर लेने के लिए, यही सिंगार उंगार लड़की लोग लड़का लोग यही सब खाने पीने के झूला झूलने के लिए यही सब के लिए आते हैं सर। तब पीछे देखिए लिखा आई लव सोनपुर जी सर, लिखल है ना जी सर। लेकिन आप पढ़ाए नहीं कि इसका हमको दुख है, बच्चा पढ़ाएगा जहाँ जी? जी सर पढ़ाए हुए सब फाइनल किए हुए सर, है ना जी सर। मेरी पत्नी एस्पायर करेगी साथ में ना हो सर। अच्छा, और दुख हुआ सब बड़ा वाला बच्चा सब पढ़ा लिखा सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं। बहुत बढ़िया, आप नहीं पढ़े लेकिन छोटी लड़की बीए फाइनल कर बैठी हुई है और परिवार एस्पायर कर गया, तो उसका भी शादी करने के चक्कर में थे। तो यहाँ टिकट लगभग 100 रुपया से शुरू होकर 1200 रुपया तक होता है? जी 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 सर, है ना जी सर। 100 से 1200 VIP। अच्छा VIP है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है सर। अच्छा, मैंने 100 रुपया टिकट में कहाँ बैठाता है? 300 से पीछे सर। 100 रुपया हम सबसे पीछे? सबसे पीछे। 300 में सर, उससे थोड़ा आगे। और उसके अलावे कितना का है? 600 का जी सर, उससे फिर आगे थोड़ा 600 का जो है आगे है। VIP वो सबसे आगे है सर। VIP 1200 वाला जी, सबसे आगे है सर। 1200 में सबसे आगे? सबसे आगे सर। अच्छा, पहले जब शराब बंदी नहीं थी जी सर, शराब चालू था जी सर, तब थिएटर चलता था, तब क्या होता था? शराब बंदी के बाद थिएटर में क्या होता? सर शराब तो मान लीजिए कि बंद करके कोई फायदा सरकार के नहीं है। काहे? इसीलिए फायदा नहीं है सर, शराब मिलिए रहा है, आदमी पहुँचाइए रहा है, आदमी पिए रहा है, तो बंद करके कोई फायदा इससे नहीं है। कहीं से जनता का जान जा रहा है सर, डुप्लीकेट दारू तैयार हो रहा है, मर रहा है। इससे बढ़िया सरकारी था, ठीक है, उस चेक करके आता था, आदमी पीता था, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नाजायज़ पैसा इंसान को लग रहा है, मर भी रहा है, दोनों काम हो रहा है सर। इस बात पे हम कहेंगे झाजी, झाजी सब जानते हैं जी सर। रेडियो में नहीं आता जी सर, झाजी झाजी सब जानते हैं जी सर। मतलब बतिया ठीक है बोले, बहुत शिकायत है कि शराब में डुप्लीकेट शराब बन रहा है, मर रहा है, आदमी पीने वाला पिए रहा है। सरकार तो बैंड अपना लगा दिया, लेकिन सरकार की बात चलने वाला नहीं है। हम पूछे कि शराबबंदी थी नहीं, शराबबंदी नहीं थी तब थिएटर में क्या माहौल था? सर शराबबंदी नहीं था तो और थिएटर का माहौल ज़्यादा हाईलाइट में था, क्योंकि उसमें खुलेआम लड़की लड़का सब पीते थे, डांस भी ओपन करते थे, नशा के बल पर कुछ पता नहीं चलता था, कभी कपड़ा उतार देते थे शरीर का, और ऐसा सब होता था काम होता था। आज जो आप थिएटर में जाके नाच देखते हैं बार बालाओं का उस, या फिर जो कहिए कलाकारों का, तो उसमें कपड़े पहन के लड़कियां नाचती है या छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचती है? छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचते हैं अभी, लेकिन पहले के दौर में जब थिएटर का टाइमिंग लगभग 3 बज जाता था सुबह के लास्ट में, उस समय कपड़ा खोल देती थी, उस समय पहले के समय में उस समय जब कपड़ा खोल देती थी। लेकिन आप तो इतना छोटा छोटा कपड़ा है जो बदन लखा दे रहा है, ब्लाउज पहना है तो 2 इंची का ब्लाउज पहना हुआ पूरे शरीर उसका लखा दे रहा है। नहीं तो आप कोई दिक्कत, बड़ी बड़ी कलाकार उर्फी जावेदी सब भी बड़े छोटा छोटा कपड़ा पहन जी सर, और कहती कोई दिक्कत नहीं, कहती अपना नियत ठीक करो जी, कपड़ा तो हम छोटे पहने सर। तो सही बोलती है भाई, आप अपना नियत ठीक कीजिए। आप सलमान खान बदन उगाड़ के चलता है कि नहीं चलता? जी सर वो तो है, लेकिन इंसान को खराब ज़्यादा अधिकतर लड़की को देख से इंसान खराब ज्यादा होता है, ऐसे अपने मन से इंसान खराब नहीं होता, उसका स्टाइल देख के वजन देख के लड़का खराब होता है। लड़का हम इससे आप सहमत नहीं है, लड़का सुनिए, लड़का ये नहीं चाहता कि हम खराब हो जाए, उसको दिखा के खराब कर देता है, है ना वो यदि सही ढंग से ढक के शरीर चले तो कोई लड़का जल्दी निगाह गलत नहीं देखेगा, लेकिन वो जो मॉडल युग का कपड़ा जो निकल गया है उससे आदमी लड़का लोग अनुभवी पागल हो गया है, जो उसका अभी अज्ञात कम है, अज्ञात कम है उसके पास में, मतलब नया खून पानी है उसके पास में, है ना। लेकिन हम सहमत नहीं है जी, लड़कियां छोटा कपड़ा पहन रही, आप अपना नियत ठीक रखिए ना। आप भी तो, आप सलमान खान कब शर्ट खोल देता है, टी शर्ट खोल देता है, हीरो खोल देता है कि नहीं कपड़ा? रणवीर सिंह का फोटो देखे कि नहीं देखे? वो तो चड्डियों ने पहन हेलता तो गंदा नहीं है लड़की, गंदा उर्फी जावेद गंदा होगी, रणवीर सिंह ठीक है? नहीं नहीं सर, तब फिर गलती दोनों में सर। हाँ गलती दोनों में, या दोनों ठीक है या दोनों गलत? अब कपड़ा के मामले में लड़की को दोष नहीं दे सर, ठीक है, गलती दोनों में सर। हम क्या कह रहे हैं, लड़का भी आजकल
देखते हैं, हेलो हाय बैठ दिन करते रहता है पढ़ाई लिखाई पर। हम लोग पटना जाते हैं देखते हैं वहाँ, हाँ। पटना गांधी मैदान में, हाँ। बाप भेजता है इंजीनियरिंग करने के लिए बेटा को, डॉक्टर, हाँ। बनने के लिए, हाँ। वो गांधी मैदान में लड़की लेके लाइन मारते रहता है। क्या करता है? लाइन मारते रहता है लड़की लोग के गांधी मैदान में, देखते हैं के लाइन मारता है लड़का लोग जो पढ़ने के लिए जाता है, बाप माँ पैसा देता है अपना वहाँ पढ़ने के लिए, वो व्यस्त करने के दूसरे चक्कर में रहता है। वीडियो वायरल नहीं हुआ? देखे थे छोड़ी पटाता है जी, वही छोड़िए पटाने वाला सर वहाँ होता है बात, लेकिन छोड़ी नहीं बोला जाए, ये सब गलत। लड़की पटाना शब्द क्या होता है? प्रेम है, प्रेम वैसा प्रेम नहीं चाहिए सर। अब मान लीजिए पढ़ लिख के आप पढ़िए लिखिए कुछ काम कीजिए सर, तो उसके लिए आदमी उत्साह होता है कि काम कर रहा है, हैं? आप गए माँ बाप का पैसा नाजायज खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अरे एक चीज बतावे झाजी, जे लड़का एकदम सीधा सीधा रहता है ना, गाय नियम जिसको बोलता है, लड़का वा तो गाय है। नहीं सर, वो तो और खतरनाक होता है, हाँ? वो तो और खतरनाक होता है सर, जो एकदम सीधा है महीन रहता है, वो तो बहुत महीन रहता हो, वो भीतरे भीतरे छेद करता है लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाता। फिर बोलेंगे जाजी जाजी सब जानते हैं, जी सर खतरनाक बोलेगा, जी सर ये पर ताली बच जाएगी आप सर। तो लड़का लोग सर यही सब है, हाँ। तो देखिए कम बोलना, हाँ। वो सबसे खतरनाक डेंजर है जी सर, हाँ। और ज्यादा जो बोलता है, हाँ। वो सोचिए कि वो सीधा दिल का आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, जो उसके दिल में रहता है बोल देता, बोल दिया गंदगी निकाल दिया, कचरा हृदय से निकाल दिया, और जो नहीं बोला वो सोचिए कि खतरनाक है, कभी कुछ कर देगा। तो कुछ बहुत बात सारी बातों से हम सहमत हैं आपके, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जिससे हम सहमत नहीं, खास करके महिला विरोधी जो टिप्पणी आपकी, जी सर उससे, लेकिन ठीक है, आपकी अपनी जिंदगी, आपकी अपनी सोच, आप पढ़ाई नहीं किए इस वजह से हो सकता है कि आपका प्रभाव पड़ा होगा समाज का, समाज में जो लोग बोलते हैं, बहुत सारा यूनिवर्सिटी आजकल खुला है, व्हाट्सएप फेसबुक की, सही बात है ना? जी जी। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो एक नंबर काम कर रहे हैं, जो अभी इंडिया में अभी सातवां स्थान ले आए, जब हम उनसे जब खुश रहेंगे कब, जब दो बच्चा पर बैंड लगा, दो बच्चा से फाजुल नहीं। आपका क्या बच्चा है? हमारा तो चार हो चुका है, अब तो गुजर गया है। आप दो बच्चा से फाजुल नहीं, उस पर बैंड लगा दे, हम पूरे खुश रहेंगे। माने आप पूरे हिंदुस्तान के लोग खुश रहेंगे उससे। आप पुंग गए? जी सर जी सर। दूसरा नहीं चाहते? नहीं सर, दो बच्चा बस दो ही बच्चा रहना चाहिए, कि तीन से उससे ज्यादा कर क्या? आप कहल किए सर, उस समय का इतना माहौल नहीं था, उस समय माहौल छोड़िए ना, नहीं हम तो कर गुजर गए सर, आप तो गरीब आदमी थे, हम कर गुजर गए, लेकिन आप जो मेरा बच्चा जो होगा उस पर भी बैंड लगना चाहिए, और हर चीज पर बैंड लगना चाहिए, दो से फाजुल नहीं, यदि दो लड़का हो रहा तो एक लड़की होना चाहिए, उससे फाजुल नहीं, फिर सर उससे फाजुल नहीं, आप सब तीन पर आ गए सर, लड़का की संख्या ही ज्यादा हो जाएगा फिर लड़की, आपके यहाँ लड़का हुआ, किसी के यहाँ लड़की हो रही है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है सर। क्या बोले? अच्छा आओ, क्या अच्छा लगता है? मोदी जी के पास है, उनके पास भी लड़की है, थोड़ी नहीं गलत जगह जा रहे। अच्छा और क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? मोदी जी का हर चीज हमको अच्छा लग रहा है, हाँ। हर चीज एकदम सब कुछ। जी, जी, नीतीश जी का? नीतीश जी तो आप क्या बोले नीतीश जी के बारे में, नीतीश जी तो हमारे बिहार चला नहीं पा रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी जा रहे हैं, लेकिन अब बाहर पूरे दिल्ली में बैठने के लिए सोच रहे हैं, जब हमारा इतना वो बिहार उनसे संभल नहीं रहा है तो दिल्ली कैसे संभाले? इसी 20 साल से संभाल रहे नीतीश कुमार बिहार को। जी जी सर, लालू जी की रीजन की बात सुन लीजिए, लालू जी की रीजन की बात थी, पूरे वर्ल्ड के लोग लालू जी के बारे में जानते हैं कि ट्रेन के टिकट कम कर दिया था गरीब के लिए, वो मासिया थे, लेकिन हाँ लेकिन माफिया ले, हाँ माफिया जो माफिया नहीं मसीहा, मसीहा थे गरीब के लिए, मासिया थे गरीब के लिए, मासिया थे, पूरे वर्ल्ड का लोग जानता है लालू जी के बारे में। लालू जी वाला दिमाग नीतीश जी के पास में नहीं है, उनके क्या बोल दिया आप? हम सही बोले सर, क्या उनका अपना दिमाग इनके पास में नहीं है, इनका दिमाग किनके पास नहीं है? ये तो महंगाई बढ़ते जा रहा है, महंगाई तो मोदी जी ने बढ़ा रहे हैं, मेरा चाय का दाम उतना ही रखा हुआ है, मैंने सर उससे आगे बढ़ने रहा, तो महंगाई नीतीश जी थोड़े मोदी जी से बढ़ रहा है, केंद्र ने बढ़ता है महंगाई के लिए, केंद्र सरकार जिम्मेदार सर, सुनिए पढ़ाई करते तब जानते हैं, ठीक केंद्र सरकार है, लेकिन हम वो भी जानते हैं कि कोई भी महंगाई भी हो गया सर, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि हम इंडिया में हैं तो अच्छे ढंग से भोजन जी रहे हैं, हर देश से अच्छा है, महंगाई भी हो गया, तो पहले 200 रुपया मजदूरी होता था, अब 400 रुपया कमाते हैं, मेकअप कर रहे हैं आप, मोदी जी का नाम आ गया, 400 रुपया कर रहे हैं आप, 400 रुपया मजदूरी कर रहे हैं सर, 400 रुपया पहले 2 किलो हम समझ गए कि आप सर 2 किलो आटा, हम समझ गए 25 किलो आप समझ गए, हम समझ गए महंगाई हमारे, अभी नीतीश जी के बारे में जान रहे थे कि महंगाई है कि मुख्यमंत्री से होता है, तो नीतीश जी बुराई करे, जैसे ही पता चला महंगाई केंद्र सरकार की वजह से है तो मोदी जी बड़ाई करने लगे, महंगाई को डिफेंड करने लगे उल्टा, महंगाई नहीं सर, महंगाई पर डिफेंड नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो काम मेरा सरकार जी। अच्छा, लालू जी क्या अच्छा लगता है? लालू जी का वजन
बोली में भी वजन था उनका और बोली में भी वजन। कैसे बोलते हैं लालू जी? लालू जी का तो बोली हमको नहीं बोलने के लिए आता है, लेकिन ठेठी भाषा बोलते हैं। हाँ, लेकिन लालू जी थे, लालू जी पूरे इंडिया में चाहे उस कुछ किए, चारा घोटाला किए, कुछ किए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता के लिए वो ठीक थे कि वो ट्रेन का टिकट कम कर दिया। अब तो जनरल पैसेंजर जा रहा है तो उसको एक्सप्रेस कर दिया है, पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन चारा वही सुलह ही सुलह जा रहा है। हाँ, गति वही है, नाम एक्सप्रेस का हो गया, नाम वही 10 रुपया टिकट में पहले जो, अभी कितना पता नहीं जुटा अभी है। अभी सर जिस समय 10 का टिकट था अभी 30 लग रहा है डायरेक्ट। तो मोदी जी ने दोष है, तो आप बोले मोदी जी का हर चीज अच्छा लगता है, तो मोदी जी का दोस्त नहीं, सुनिए मोदी जी का नीतीश जी हमारे हमारा बिहार का नेता है तो हमारे बिहार के लिए वो लड़ेंगे। हाँ। लड़ना चाहिए उनको। हाँ। कि हमारी जनता क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ। लेकिन वो सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं कुछ मांगते हैं, नहीं क्या करते, हम लोग तो कुछ नहीं सुनते हैं, खाली हम ये देख रहे हैं कभी उस पार्टी में है कभी उस पार्टी में है, गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है। चलिए तो झा जिस बात की झाजी है बहुत कुछ जानते हैं बहुत कुछ नहीं जानते, क्या कहना है आपका इनसे जो बातचीत की उस पर प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत। बहुत बढ़िया झाजी, चलिए इतना अच्छा आप बोलते हैं, पढ़ लेते तो आप बहुत आगे जाते हैं, सच्ची बताते हैं, बंद कर दीजिए।